Good morning, dear kids. Let us start our subject English. As you know, beta, we have completed all sounds from our My English Reader book. So, from today, we are going to start its grammar portion from this book. So, you will open page number 42 from your My English Reader book. Dear kids, today in our English class, we will learn about use of I first of all you should know the meaning of I देखिए बेटा आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास में I के यूज़ के बारे में सीखेंगे और इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए I का मीनिंग I मीन्स होता है बेटा मैं क्या होता है आई का मतलब मैं I का यूज़ हम तब करते हैं बेटा जब हमने अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है अपनी इंट्रोडक्शन देनी है किसी को तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं I इंट्रोडक्शन का मतलब होता है बेटा अपने बारे में किसी को कुछ बताना जैसे कि आपसे कोई आपके बारे में पूछे कि आप कौन हो कैसे हो तो जब आप अपने आप को बेटा इंट्रोड्यूस करते हो अपने आपके बारे में कुछ बताते हो तो उस टाइम हम वर्ड यूज़ करते हैं अपने लिए आई क्योंकि आई का मतलब क्या होता है मैं तो जैसे ही आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना अपने बारे में कुछ बताना है तो उस वर्ड उस वक्त आप आई वर्ड को यूज़ करके सेंटेंसेज बनाएंगे ओके बेटा तो आज हम अपनी एम e. की बुक में से कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू यूज ऑफ आई के बारे में सीखेंगे ओके सो लेट एस स्टार्ट दिस इज पेज नंबर फोर्टी टू राइट टू डेज डेट ऑन दिस स्पेस लेट एस लर्न अबाउट आई किसके बारे में सीखेंगे बेटा आज हम आई के बारे में ओके सो लेट एस स्टार्ट सी किड्स देयर इज अ गर्ल यहां पर कौन है बेटा एक गर्ल है ओके okay? अब देखिए ये कैसे आई वर्ड को यूज करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है मतलब कि अपने आप के बारे में बताती है ये ओके आई एम रितु नाम क्या है इसका बेटा रितु अब देखिए ये अपने बारे में बता रही है तो उसने फर्स्ट नंबर पे क्या बताया इसने अपना नाम बताया क्या बताया इसने आई एम रितु कि मैं रितु हूं उसने क्या वर्ड यूज किया अपने लिए आई ओके आई का मतलब मैं आई एम रितु मतलब मैं रितु हूं नेक्स्ट देखिए आई एम अ गर्ल गर्ल मीन्स लड़की फिर उसने क्या बताया अपने आपके बारे में आई एम अ गर्ल मैं एक लड़की हूं आई एम सिक्स ईयर्स ईयर्स का मतलब होता है बेटा साल ओ एल डी ओल्ड आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड मैं छह साल की हूं ओके okay? तो देखिए बेटा इस तरह से उसने अपने बारे में आपको थ्री सेंटेंसेस बताए हैं तीन लाइनों में अपने आप के बारे में बताया है क्या बताया आई एम रितु आई एम ए गर्ल आई एम सिक्स इयर्स ओल्ड ऐसे ही आप भी अपने बारे में बता सकते हैं बेटा इन सेंटेंसेस को यूज करके सेम जैसे रितु ने यूज की है ओके okay? अब हम आगे देखते हैं रितु के बारे में आई गो गो मींस जाना टू स्कूल आई गो टू स्कूल मैं स्कूल जाती हूं अब फिर से देखिए उसने आई का यूज किया अपने बारे में क्या बताया उसने कि मैं स्कूल जाती हूँ देखिए यहाँ पर उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है रितु ने और वो कहा जा रही है स्कूल जा रही है किसके साथ अपनी एक फ्रेंड के साथ आई गो विद विद का मतलब होता है बेटा साथ गीता गीता उसकी फ्रेंड का नाम है बेटा रितु की आई गो विद गीता मैं गीता के साथ जाती हूं ओके okay? तो इस तरह से उसने आई को यूज करके बेटा अपने बारे में टू सेंटेंसेस और बता दिए उसने क्या बताया उसने आई गो टू स्कूल आई गो विद गीता ओके नाउ लेट अस सी नेक्स्ट सेंटेंस गीता एंड आई प्ले प्ले मींस खेलना टी ओ जी ई टी एच ई आर टू टूगेदर होता है बेटा टूगेदर मीन्स एक साथ गीता एंड आई प्ले टू अब उसने क्या बताया कि गीता और मैं एक साथ खेलते हैं प्ले मीन्स होता है खेलना टूगेदर मींस एक साथ या फिर इकट्ठे देखिए यहां पर क्या कर रहे हैं रितु और गीता दोनों एक साथ खेल रहे हैं तो अब उसने क्या बता दिया कि हम दोनों साथ में खेलते हैं अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज हां जी बेटा अब यहां पे देखिए देयर इज अ बॉय अब यहां पर कौन है बेटा एक बॉय देखिए पहले किसी गर्ल ने अपने बारे में बताया अब यहां पे कौन बता रहा है एक बॉय बता रहा है तो देखते हैं वो क्या बताता है अपने बारे में आई एम डी आई पी यू दीपू दीपू इसका नाम है बेटा तो उसने क्या बताया आई एम दीपू जैसे रितु ने बताया था आई एम रितु तो इसने क्या बताया आई एम दीपू ओके आई एम मैं एक लड़का हूं फिर उसने दूसरा सेंटेंस अपने बारे में क्या बताया कि मैं एक लड़का हूं आई एम ए गर्ल आई लाइक लाइक मीन्स है पसंद करना टीओ डबल एम बाय टॉमी टॉमी बेटा इस पप का नाम है आई लाइक टॉमी मैं टॉमी को पसंद करता हूं ठीक है तो उसने अपने बारे में मैं तीन सेंटेंस बताए बेटा क्या क्या बताया आई एम दीपू आई एम ए बॉय आई लाइक टॉमी ठीक है इस तरह से उसने आई को यूज करके अपने बारे में बता दिया नेक्स्ट देखिए टॉमी इज अ स्मॉल पप टॉमी एक छोटा पप है पप्पा होता है बेटा पापा बोलते हैं पिल्ले को मतलब कि कुत्ते के बच्चे को ओके टॉमी इज अ स्मॉल पप टॉमी क्या एक छोटा सा पिल्ला है अब देखो ये जो दीपू है वो किसके बारे में बता रहा है टॉमी के बारे में आई प्ले विथ टॉमी मैं टॉमी के साथ खेलता हूं विद का मतलब होता है साथ प्ले मींस खेलना आई प्ले विद टॉमी मैं टॉमी के साथ खेलता हूं आई गिव गिव मीन्स देना एम आई एल के मिल्क मिल्क मीन्स दूध टू टॉमी आई गिव मिल्क टू टॉमी मैं टॉमी को मिल्क देता हूं ठीक है उसको पीने के लिए वो क्या देता है मिल्क तो उसने अपने बारे में क्या बताया कि मैं टॉमी को मिल्क देता हूं आई टेक टेक मीन्स बेटा ले जाना टॉमी फॉर अ डब्ल्यू ए एल के वॉक ये वर्ड क्या है बेटा वॉक वॉक मीन्स होता है पैदल चलना इस वर्ड में बेटा जो एल है वो साइलेंट है मतलब कि एल की आपने इस वर्ड में कोई साउंड नहीं निकालनी ओके तो आप जब इस वर्ड को रीड करोगे आपने इसको वालक नहीं बोलना हम इसको क्या बोलेंगे वॉक बिकॉज एल इज साइलेंट इन दिस वर्ड सो आई टेक टॉमी फॉर ए वॉक मैं टॉमी को वॉक के लिए लेकर जाता हूं ठीक है नेक्स्ट देखिए आई गिव टॉमी अ बांथ मैं टॉमी को बांथ देता हूं मतलब कि मैं टॉमी को नहलाता हूं देखिए यहां पर दीपू क्या कर रहा है टॉमी को नहला रहा है उसको बांथ दे रहा है वो टॉमी इज वाइट एंड सॉफ्ट व्हाइट मीन्स बेटा सफेद रंग सॉफ्ट मीन्स नरम जो टॉमी है वो क्या है वो व्हाइट है और सॉफ्ट है अब दीपू ने किसके बारे में बताया टॉमी के बारे में क्या बताया उसने कि टॉमी व्हाइट और सॉफ्ट है ओके okay? तो ये था बेटा हमारा आज का लेसन जिसने हम जिसमें हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखा बेटा कि हम आई का यूज कैसे कर सकते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए इसी तरह बेटा आप भी कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं सेम जैसे रितु ने बनाए हैं या दीपू ने बनाए हैं आप भी सभी गर्ल्स और बॉयज सेंटेंसेस बनाएंगे कुछ और उनको आप बोलेंगे ठीक है जैसे रितु ने बनाया था कि आई एम रितु आई एम गर्ल आई एम सिक्स ओल्ड ऐसी आप अपने बारे में कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं अपना नाम लेकर ठीक है तो इस तरह से आपने बेटा एटलीस्ट फाइव सेंटेंस बनाकर आपने बोलते हुए उसकी वीडियो बनाकर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करनी है कि आप आई का यूज कैसे करोगे अपने बारे में बताने के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए ओके और आपने बेटा इन दोनों पेजेस की रीडिंग भी करनी है नाउ लेट अस सी इट्स प्रैक्टिस वर्क येस किड्स देयर इज प्रेक्टिस वर्क डू इट यूर सेल्फ डू इट यूर सेल्फ मींस अपने आप करो ये आपके खुद से करने के लिए होता है बेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली सीड्स हेयर आर फोर क्वेश्चन द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली आपने इन क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं बेटा ऑरली देने हैं ओके हाउ ओल्ड इज रितु हाउ ओल्ड इज रितु इस क्वेश्चन का क्या मतलब बेटा ऋतु कितने साल की है कितने साल की थी ऋतु बेटा सिक्स इयर्स क्या लिखेंगे आप इसका बेटा सिक्स ओल्ड ओके नेक्स्ट देखिए विद होम विद का मतलब साथ मींस किसके विद डज रितु गो टू स्कूल ऋतु किसके साथ स्कूल जाती है अभी हमने लेसन में रीड किया था ना बेटा ऋतु अपने फ्रेंड के साथ जाती है क्या नाम था रितु की फ्रेंड का गीता तो यहां पर क्या लिखेंगे हम विद गीता ओके okay. नेक्स्ट देखिए विथ होम दीपू प्ले दीपू किसके साथ खेलता है किसके साथ खेलता है बेटा दीपू विथ टॉमी ओके नेक्स्ट इज द कलर ऑफ टॉमी टॉमी का कलर क्या है क्या कलर था बेटा टॉमी का व्हाइट तो इसका आंसर क्या जाएगा व्हाइट ओके नाउ रीड नेक्स्ट हेडिंग फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यहां पे बेटा आपको ब्लैंक्स दी गई हैं आपने इनको फिल करना है देखिए रितु इज अ डैश रितु क्या है बेटा अभी हमने लेसन में रीड किया था ना कि रितु एक गर्ल है सो रितु इज ए गर्ल तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे गर्ल कैसे लिखेंगे गर्ल की स्पेलिंग जी आई आर एल गर्ल ओके और आपने ध्यान रखना है बेटा अगर आपकी फिलअप सेंटेंस के एंड में है या फिर सेंटेंस के बीच में है तो आप उसके सभी लेटर्स स्मॉल डालेंगे और अगर यही फिलअप आपकी स्टार्टिंग में आ जाएगी तो हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल डालेंगे देखिए जैसे कि यहां पर नंबर डी में अब यहां पे आपकी जो फिलअप है बेटा वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में है तो जब आप इसका वर्ड फिल करेंगे तो इसका आप फर्स्ट लेटर कैपिटल डालेंगे ओके आगे देखिए दीपू इज अ डैश दीपू क्या है बेटा दीपू इज अ बॉय तो आप यहां पर बॉय वर्ड फिल करेंगे टॉमी इज अ स्मॉल डैश टॉमी क्या है स्मॉल बेटा पप सो यू विल फिल हियर पी यू पी पप नेक्स्ट डैश गोस टू स्कूल डैश स्कूल जाती है कौन जाती है स्कूल बेटा रितु। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे आर आई टी यू रितु और रितु का आप आर क्या डालेंगे कैपिटल बाकी लेटर स्मॉल नेक्स्ट देखिए दीपू गिव्स टॉमी अ डैश दीपू टॉमी को डैश देता है क्या देता है बेटा टॉमी को बाथ तो आपने क्या वर्ड फिल करना है यहाँ पर बी ए टी एच बाथ ओके सो इट वॉज प्रैक्टिस वर्क तो आज आपने बेटा होमवर्क में क्या करना है इस पेज की आपने प्रैक्टिस करनी है और जो पीछे पेज हमने रीड की उनकी प्रैक्टिस करनी है और आप एटलीस्ट फाइव सेंटेंस मुझे अपने आप के बारे में बेटा इंट्रोड्यूस करते हुए आप फाइव सेंटेंस मुझे बोलकर उसकी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करेंगे ओके बेटा नाउ बाय थैंक यू टेक केयर